पंचायत पकरिया सलिया में हम हैं। यहाँ पर जो प्रगतिशील किसान है करनेल सिंह के यहाँ पर हम मौजूद हैं और इन्होंने देखो यहाँ पर ये 0.400 हेक्टेयर में यहाँ पर ये इन्होंने सह फसली करी है और ये कितनी 11 अंतर फसली है। और गन्ने की कितनी प्रजाति है आपने यहाँ पर? गन्ने की 6 प्रजाति है और यहाँ पर इन्होंने सह फसली कुछ फसल कुछ सब्जियां हम ले रहे हैं जैसे मूली है, देखो इस मूली है, सलजम है, चुकंदर है, गाजर है, पालक है, आलू है, मटर है, इसके अलावा गोभी है। ये देखो यहाँ पर मटर की हो रही है, ये आपका 13,235 वैरायटी है मटर लगा रखी है मटर अंता फसली के रूप में। ये किस कब आपने बुवाई की थी? ये अक्टूबर लास्ट में। तो ये मटर भी तभी आपने उसी से भाई ये मटर लगाया था जी। हाँ, ये गाजर लगा रखी है जी। इसकी भी उगाई तभी आपने? ये उसी समय की हुई है 14,201 जी। अच्छा, ये लखनऊ की वैरायटी है। और देखिए ड्रिलिंग भी, देखिए ड्रिलिंग बहुत बढ़िया हो गई। ये इधर मूली लगा रखी है, ये सलजम है, उधर चुकंदर लगी हुई है, ये पालक है, ये इधर लहसुन लगा रखा है जी। ये सारा लहसुन लगा रखा है यहाँ से बाहर। और देखिए इसमें कितनी ड्रिलिंग बढ़िया हुई है। तो लगभग इसे गन्ने की कितनी पैदावार ले लेते हो आप एक एकड़ से? गन्ने की पैदावार 650 क्विंटल आप मान के चले। और इसके साथ जो ये आलू लगा हुआ था यहाँ पर, आलू लगा हुआ था। और ये तो जैसे सह फसली जो लगाई है ये तो एक हमारी समझ लीजिए अलग से एक बचत हो गई। सब्जी की बचत हो गई, बचत हो गई, सब्जी की सब्जी हो गई। और जो गन्ने में वो आएगी खाद गिरने के लिए, ये गोभी लगी हुई है, इसमें गोभी लगी हुई थी, पत्ता गोभी वो निकल गई है। उसमें सोया भी लगा हुआ था, सोया भी था, साग बन जाता है, साग आने के काम आ जाता है। ये इधर धनिया लगी हुई है। तो ये आपने इधर भी खेत के इधर भी धनिया और अलसी लगाई हुई है, उधर भी लगाई है, इसका मुख्य रीजन क्या है? अलसी और धनिया को जानवर नहीं खाता, ना तो इसको कोई जानवर मुंह लगाता है ना कोई खाता है, और इसका रेट भी अच्छा मिल जाता है और इससे गन्ने की ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अभी जमा नहीं है, हमने किनारे किनारे हल्दी भी लगा रखी है, ये इधर किनारे किनारे हल्दी लगा रखी है, लेकिन ये जब जमेगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एक तो देखने में खेत खूबसूरत लगेगा और इसको जानवर भी नहीं खाता, हल्दी को जानवर नहीं खाता, अलसी को भी नहीं खाता।